तो दोस्तों रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले ही हर्ष बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड हुई है दारू विथ डैड। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो वहां पर आपको एक ट्रांजेक्शन मिला होगा जो कि कट एंड पेस्ट ट्रांजेक्शन है। अगर आप इस ट्रांजेक्शन को देखोगे तो यहाँ पर यह ट्रांजेक्शन काफ़ी ऑसम और प्रो लेवल का देखने को मिलता है। इस ट्रांजेक्शन का अगर इस्तेमाल आप करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने जब इस वीडियो को देखा यानी दारू विथ डेड वीडियो को, तो फिर ये ट्रांजेक्शन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और इस ट्रांजेक्शन को मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन में यूज़ किया है और काफ़ी हद तक मैं इसको कर पाया, सक्सेसफुल हो पाया इस ट्रांजेक्शन को बनाने में। काफ़ी हद तक मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन जितना मुझसे हो सका उतना मैंने ट्राई किया और सक्सेसफुल भी हुआ। तो गाइज होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो पहले आप प्रीव्यू देख लीजिए कि जो जिसको कि मैंने एडिट किया है। तो गाइज़ ये क्लिप दारू विथ डैड जो वीडियो है उसी वीडियो का है, लेकिन इस क्लिप में ही मैंने एडिटिंग की है और ट्रांजेक्शन को कट एंड पेस्ट वाला ऐड करने का कोशिश किया है, एडिट करने का कोशिश किया है। होप कि आपको पसंद आया होगा। अब चलिए बढ़ते एडिटिंग पार्ट की ओर। लेकिन गाइज उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसी प्रकार की कॉन्टेंट अपलोड करते रहते हैं, लाइक हाउ टू क्रिएट, हाउ टू एडिट, हाउ टू मेक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज लेट्स बिगिन द वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हर्ष बेनीवाल का जिस वीडियो का मैंने आपको दिखाया ट्रांजेक्शन, ठीक उसी वीडियो का एक पार्ट का ट्रांजेक्शन मैं आपको एडिट करके बताऊंगा। तो हमें क्या करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके 16:9 वाला रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है और उस वाले वीडियो को जिसका कि मुझे यहाँ पर ट्रांजेक्शन ऐड करना है उसको मैं यहाँ पर सिंपल ऐड कर लेता हूँ। तो कि गाइज उस पार्ट को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है और इसी पार्ट में मुझे ट्रांजेक्शन लगाना है। यहाँ पर इस जगह पर हमें ट्रांजेक्शन लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर एक हमें कट लगाना पड़ेगा जिस भी जगह पर हमें ट्रांजेक्शन लगाना है। ओके, तो यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन लगाने वाले हैं कुछ इस जगह पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि ट्रांजेक्शन के बाद कौन सा पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वॉच का पार्ट है तो इसको हमें क्या करना है, इस वॉच के पार्ट को सेव करना है। कैसे सेव करना है, तो यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता होगा, इस पर हमें टैप करना है। ठीक है, तो इस पर हम जैसे टैप करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा कैप्चर एंड सेव, देन इस पर हमें टैप कर देना है, ये चीज़ हमारा सेव हो जाएगा। अब हमें इसका बैकग्राउंड को इरेज कर देना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन पर। सो गाइस देख सकते हैं ये हमारा बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन। तो हमें यहाँ पर लोड अ फोटो पर क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमें उस फोटो को यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें क्रॉप करके और यहाँ से सिंपल यहाँ पर हमें कट कर देना है। उसके बाद कट करने के बाद हमें अब चलना पड़ेगा पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर। इन सारे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपनी पिक्सल एप्लीकेशन पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टैप करना और इंपोर्ट करना उस इरेज वाले फ़ोटो को, और उस इरेज वाले फ़ोटो को इंपोर्ट करने के बाद हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा स्ट्रोक वाला ऑप्शन पर। स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर हमें इसे स्ट्रोक को इनेबल कर देना पड़ेगा और इसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एडजस्ट कर लेना पड़ेगा, स्ट्रोक लगाना पड़ेगा, टिक मार्क पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ये वाला जो आपका दिख रहा है ये वाला, इस ऑप्शन पर हमें टैप करना है, ट्रांसपेरेंट को सेलेक्ट करना है, फिर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट इमेज देन पीएनजी और डिफॉल्ट को हमें अल्ट्रा करना है और सेव टू गैलरी। बस भैया हो गया हमारा ये फोटो सेव। तो अगेन हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा प्ले करना है और वीडियो को हम जैसे प्ले करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का, जहाँ पर हमने कट लगाया है उससे पहले हल्का सा पहले हमें यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर सेलेक्ट करने के बाद उस वाले को हमें, उस जो भी वॉच में हमने यहाँ पर जो भी वॉच को हमने कट किया था उसको हम यहाँ पर लाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे हम जाएंगे यहाँ पर जहाँ पर ये वॉच आता है और वहाँ पर हम इसे उसके साइज से एडजस्ट पूरा कर देंगे। पूरा आपको एडजस्ट
फुल टू फुल एडजस्ट कर देना है, अगेन टिक मार्क पर क्लिक करना है, फिर नीचे वाले लेयर को यानी इमेज को सेट करना है, कट के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट टू ऑफ प्ले अहेड। बस अब हम अगर आपको दिखाएं इस वीडियो को तो यह वीडियो अब आपको कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा। यहाँ पर अभी और भी एडिटिंग बाकी है, कुछ इस प्रकार का आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, उस इमेज को सेलेक्ट करना है, इन एनिमेशन पर जाना है और नीचे पर जाकर हमें करना है एंटर स्लाइड अप, और एंटर स्लाइड अप करने के बाद हमें टिक मार्क पर क्लिक करना है। अगेन ट्रांजिशन हमें यहाँ पर ऐड करना है और वो है क्लासिक ट्रांजिशन। क्लासिक ट्रांजिशन में हम जाएंगे और फेड थ्रू पर क्लिक करेंगे। फेड थ्रू पर क्लिक करने के बाद इसको वन पर हम सेलेक्ट कर देंगे, टिक मार्क पर क्लिक करेंगे, फिर से हम पिक जो है पिक है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम अगेन हल्का सा एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्टमेंट जो भी है। अब आप अगर मैं इस वीडियो को चलाऊं तो आप देख सकते हैं यह वीडियो अब आपको कैसा नज़र आ रहा है, कुछ इस प्रकार का। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का आपको बहुत ही आसानी से आपके वीडियो को बना सकते हैं, इस प्रकार का कट एंड पेस्ट ट्रांजिशन अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही आसान है और इजी है। होप कि आपको मैं सिंपल तरीके से समझा पाया हूँगा, और अगर मैं समझा पाया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सीखते रहो, सिखाते रहो, मचाते रहो।